फिर से खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल। ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी की वजह से आईसीसी ने लिया फैसला। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मुकाबले के दोबारा आयोजित किए जाने की चर्चा सोशल मीडिया पर अभी भी गर्म है। क्या वाकई ऐसा संभव है? दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 को खत्म हुए 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को फिर से कराने की चर्चा खत्म नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट फैंस एक बार फिर से वर्ल्ड कप फाइनल होते देखना चाहते हैं। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि ट्रेविस हेड ने जो रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था वह क्लियर कैच नहीं था। उन्होंने बेईमानी की और रोहित शर्मा को पवेलियन लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, मानस लाबुशेन जसप्रीत बुमराह की गेंद पर LPW आउट थे, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। इन सब दलीलों के बीच कुछ पोस्ट में तो साफ साफ दावे किए जा रहे हैं कि आईसीसी ने आखिरकार वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल फिर से कराने का फैसला ले लिया है। इस तरह के दावों में भी यही कारण बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा आउट नहीं थे, अंपायर समेत किसी ने भी उनके कैच ड्रॉप होने पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में आईसीसी ने फिर से फाइनल कराने की योजना बनाई है। क्या वाकई यह सच है? आइए हम बताते हैं इन दावों की असली सच्चाई। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल को फिर से कराने के जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं वो सारे दावे झूठे हैं। आईसीसी ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी मुकाबले में कोई टीम बेईमानी से जीत भी जाती है तो यह बात पता चलने के बाद भी मैच का नतीजा न तो पलटा जाता है और न ही उसे फिर से खेला जाता है। भूतकाल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप में एक बार अर्जेंटीना के लीजेंड डिएगो माराडोना ने हाथ से गोल करते हुए अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया था। यह बात पता होने के बाद भी उस वर्ल्ड कप फाइनल को दोबारा नहीं कराया गया तो फिर इस तरह के दावे क्यों? दरअसल भारत के साथ हुई बेईमानी के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। BCCI और ICC से फैंस एक ही मांग कर रहे हैं कि फाइनल मुकाबले में भारत के साथ बेईमानी हुई है, इसलिए फाइनल मुकाबले को दोबारा कराया जाए। YouTube से लेकर इंस्टा तक जो भी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल को दोबारा होने के दावे किए जा रहे हैं वे सारे दावे झूठे हैं। हालांकि BCCI और ICC अगर चाहे तो फाइनल मुकाबला दोबारा हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इस मुकाबले की एक बार अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए या नहीं? भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में जख्म देने वाले ट्रेविस हेड के सिर टूटा मुसीबतों का पहाड़। रोहित शर्मा को बेईमानी से आउट करने पर आईसीसी ने ठोका करोड़ों का जुर्माना। दोस्तों, 19 नवंबर का दिन टीम इंडिया के फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अहमदाबाद के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया टीम के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भारतीय फैंस को ऐसा जख्म दिया है जिसे भुला पाना उनके लिए नामुमकिन है। ट्रेविस हेड ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में शानदार शतकीय बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बना दिया, लेकिन इसके साथ ही हेड ने भारत के साथ एक बेईमानी भी की। वही मैच के 5 दिन बाद ट्रेविस हेड के सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आईसीसी ने हेड पर ठोका करोड़ों का जुर्माना। दोस्तों, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल तो हार गई, लेकिन इस मैच के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टीम इंडिया के साथ अंपायर ने तो बेईमानी की ही थी, लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि रोहित शर्मा आउट नहीं थे, उन्हें बेईमानी के साथ आउट किया गया था। और इसका खुलासा खुद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने किया, जिसके बाद बवाल मच गया है। भारतीय फैंस से लेकर क्रिकेट के दिग्गजों ने आईसीसी से मांग की थी कि मैच को दोबारा कराया जाए और ट्रेविस हेड की इस बेईमानी के लिए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, फाइनल के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे बवाल मच गया। दरअसल इस तस्वीर में यह पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से रोहित शर्मा को आउट किया था। यह बात है, पहली इनिंग्स की ट्रेविस हेड ने जो रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था वह क्लियर नहीं था। दरअसल कैच को कंप्लीट करने के पहले ट्रेविस हेड के हाथों से बॉल हल्का सा जमीन को छूट गई थी, जिसके बाद हेड ने चतुराई दिखाते हुए ऐसा सेलिब्रेट किया कि उन्होंने कैच क्लीन तरीके से लिया है, इसलिए अंपायर ने भी इसे चेक करना जरूरी नहीं समझा और इस तरह रोहित 43 रन पर ही आउट हो गए। ट्रेविस हेड की यह बेईमानी और अंपायर की यह गलती टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ी, क्योंकि जब तक रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था भारत 300 से ज्यादा स्कोर खड़ा कर देगी।
लेकिन रोहित के आउट होने के बाद ही मैच पलट गया और भारत सिर्फ 240 रनों पर ऑल आउट हो गई। दिग्गजों का भी मानना है कि रोहित का आउट होना ही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहीं फैंस ट्रेविस हेड और अंपायर पर बुरी तरह से भड़क उठे हैं। भारतीय फैंस से लेकर क्रिकेट के दिग्गजों ने ICC से मांग की थी कि मैच को दोबारा कराया जाए और ट्रेविस हेड पर इस बेईमानी के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसके बाद ICC के चेयरमैन ग्रेग वर्कले ने इस पर बड़ा एक्शन ले लिया है। ग्रेग वर्कले बात करते हुए कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। वर्कले ने कहा, फाइनल मैच में जो कुछ भी हुआ वो भारत के लिए निराशाजनक रहा। मैं मानता हूँ भारत इससे बहुत निराश है और निराश होना भी जायज है, क्योंकि भारत जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में खेल रहा था उससे उनका चैंपियन बनना तो पक्का था, लेकिन ट्रेविस हेड और अंपायर की गलती की वजह से रोहित को आउट दिया गया और यही हार का कारण बना। ट्रेविस हेड के इस बेईमानी के लिए हम उन पर बहुत जल्द कड़ा कदम उठाएंगे। वहीं अब खुद रोहित शर्मा ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कुछ चौंकाने वाला बयान दिया है। रोहित बहुत ज्यादा भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि यह हार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि हमने इस पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस किया था, लेकिन सिर्फ एक मैच हारने से हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सके। मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। वहीं बाकी खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा इमोशनल थे। मैं फैन से भी माफी मांगना चाहूंगा, हमने उनका भी दिल तोड़ा। अच्छी चीज के ऊपर सब लोग बात करते हैं, कोई नेगेटिव चीज के बारे में बात नहीं करता, और ये नेगेटिव चीज में ऐसे मुझे हाईलाइट नहीं करना है। रोहित ने आगे कहा, मैंने सुबह सोशल मीडिया पर देखा कि ट्रेविस हेड ने जो मेरा कैच पकड़ा था वो क्लीन कैच नहीं था। यहाँ पर अंपायर से भी जरूर गलती हुई है, ऐसे कैचेस को उन्हें चेक करना चाहिए। वहीं थर्ड अंपायर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह सही डिसीजन दे। जिस तरह से ट्रेविस हेड ने सेलिब्रेट किया, मुझे लगा उसने कैच क्लीन लिया है, इसलिए मैंने भी अंपायर से शिकायत नहीं की। रोहित ने आगे कहा, हेड ने यहाँ गलत किया, क्योंकि एक फील्डर को हमेशा पता रहता है कि उसने कैच पकड़ा है या नहीं। यह सरासर बेईमानी है जो हमें भारी पड़ गई, क्योंकि मेरे आउट होने के बाद ही मैच हमारे हाथों से फिसलता चला गया। इसे देख मेरा दिल और टूट गया है। वहीं अंपायरिंग भी मैच में खराब रही। अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से हमें मार्नस लाबुशेन का भी विकेट नहीं मिला। ऐसा टाइम था कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और सबको उम्मीद था कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब प्लेयर्स लोग खेलते हैं हम लोगों को भी पता होता है कि सिचुएशन और प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों, क्या आप रोहित शर्मा की बात से सहमत हो? क्या अंपायर की गलती भारत को भारी पड़ी? क्या आपकी राय में भारत के साथ बेईमानी हुई है? और क्या फाइनल मुकाबला दोबारा होना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी को आज का यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल